आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। नगर निगम सदन की 23वीं व 24वीं बैठक में सर्वसहमति से 45,254.85 लाख का नगर निगम का बजट हुआ पास। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, वरीयता के आधार पर सभी पार्षदों को क्षेत्र में कार्य कराने के लिए दिया जाएगा 40 लाख रुपए। फर्जी वेबसाइट और फर्जी कंपनियों के नाम का प्रयोग कर अलग अलग शहरों के होटलों में जाकर लोगों को लुभावने हॉलीडे पैकेज का ऑफर देकर रुपयों की ठगी करने वाले गिरोह के 6 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 मोबाइल, 1 लेनोवो का लैपटॉप, 1 पेटीएम का स्वैप मशीन, 1 पैन कार्ड सहित अन्य सामग्री किया बरामद, भेजा जेल। सहजनवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत भीमापार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। कहा, विकास कार्यों में पाई गई है कुछ कमी, 1 सप्ताह के अंदर कार्यों को पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारी को दिया निर्देश। स्ट्रीट वेंडरों की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। कहा, 900 पेंडिंग एप्लीकेशन का बैंक 2 दिनों के अंदर करे निस्तारण। किसी भी तरह की समस्या होने पर स्ट्रीट वेंडर कंट्रोल रूम के नंबर पर कर सकता है शिकायत, तत्काल होगी कार्यवाही। अठारह अप्रैल से 24 अप्रैल तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह का पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने किया शुभारंभ। हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को किया रवाना। कहा, यातायात नियमों का पालन करके मार्ग दुर्घटना में लाई जा सकती है कमी, सभी लोग यातायात नियमों का करें पालन। अठारह अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में ब्लॉक स्वास्थ्य मेला का चरगांव ब्लॉक में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के प्रति लोगों में बढ़ाई जा रही है जागरूकता। नगर निगम में बोर्ड की बैठक से पहले शोक प्रस्ताव हुआ पारित। 1995 बोर्ड के सदस्य रहे प्रदीप कुमार व प्रेम चंद्र श्रीवास्तव के निधन पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, पार्षदों ने 2 मिनट मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में विधायक महेंद्र पाल सिंह द्वारा युवक महिला मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री का किया गया वितरण, सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने गुरु गोरखनाथ घाट पर पानी की व्यवस्था पर कहा कि जल्द ही घाट पर हैंडपंप की जाएगी व्यवस्था, नागरिकों को मिलेगा ठंडा जल। दवा पर जीएसटी समाप्त किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन की गोरखपुर इकाई के सदस्यों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। और नवीन महवा मंडी में आलू की 1100 रुपए प्रति क्विंटल की हो रही है बिक्री, प्याज पहुंचा 1500 रुपए के पार। नवीन महवा मंडी के आलू प्याज के आढ़तियों ने कहा, बिक्री हो रही है कम, आवक है भरपूर।